इंदौर भ्रमण से लौट रहे चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह एबी रोड स्थित शासकीय हाई स्कूल पेची का निरीक्षण करने पहुंचे। स्कूल प्रबंधन द्वारा विधायक का स्वागत किया गया। विधायक लक्ष्मण सिंह ने बच्चों से मुलाकात की और स्कूल में कंप्यूटर एवं अन्य सामग्री देने की बात कही। स्कूल परिसर में पौधारोपण भी किया गया। विधायक लक्ष्मण सिंह बोले, बच्चों के हॉस्टल में गनमैन की सुविधा होना चाहिए और इस संबंध में हम सरकार से बातचीत करेंगे। वही धारा 370 हटाए जाने की बात पर बोले कि कश्मीर में यदि आतंकवाद नहीं बढ़ता तो 370 धारा नहीं हटाई जाती, इसलिए धारा 370 हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। सड़क दुर्घटना में घायल हुए NSUI प्रदेश महासचिव सौरभ यादव से मिलने बीनागंज निवास पहुँचे विधायक लक्ष्मण सिंह ने स्वास्थ्य लाभ जाना। चाचौड़ा से अमित चौरसिया की रिपोर्ट। सुविधाएं तो बहुत है पर उनकी सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं है। माँ बाप घर से भेजते हैं बच्चे को, शिक्षकों के हवाले से आपने देखा है पूरे प्रदेश में खबरें आती है बच्चों के साथ वारदातें होती है, तो इसके लिए क्या कदम उठाएंगे? आपका कहना सही है, जहाँ जहाँ हॉस्टल है वहाँ कम से कम चौकीदार होना चाहिए और मैं तो कह रहा हूँ कि गनमैन होना चाहिए, चौकीदार होना चाहिए, गनमैन सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए। सरकार से बात करें और सर दूसरा, आज कश्मीर से 370 धारा जो हटाई गई है, कुछ पार्टियां उसके विपक्ष में भी ये कपड़े भी लड़े गए हैं और राज्यसभा में, आपका कहिए। देखिए क्या है कि कश्मीर में अगर इतना आतंकवाद नहीं बढ़ता धारा 370 भी नहीं हटती जी, 370 हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ आतंकवाद बढ़ गया और अभी 35 से हटा के उन्होंने लद्दाख को अलग किया है, कश्मीर जम्मू को अलग किया है और ये छोटे राज बनाने में दिक्कत क्या है? तो मध्य प्रदेश बना, झारखंड, छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना, बिहार बना, उत्तराखंड बना, तो लद्दाख अगर अलग प्रदेश बना दिया इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब सर आप मानते हैं कि धारा 370 काफी पहले हट जाना चाहिए? नहीं, ऐसा है कि हम तो कहते हैं कि चलो कश्मीर में शांति रहे, आज़ादी के समय भी 370 लगाना एक दूरदर्शी था पंडित नेहरू जी का उद्देश्य, लेकिन पंडित नेहरू ने कल्पना नहीं की थी कि कश्मीर में ऐसा हो जाएगा। जो कश्मीर जहाँ कोई एक दूसरे को गाली नहीं बकता था, जोर से ऊंची आवाज में कोई बोलता नहीं था, ये कश्मीर की सभ्यता रही है और तब तक उस कश्मीर में इस तरह का आतंकवाद बढ़ जाएगा ये पंडित नेहरू ने कल्पना नहीं की। अगर उनको मालूम होता तो शायद नहीं लगा, लेकिन आज की परिस्थिति अगर ऐसा फैसला लिया है जो वहाँ अलगाववादी ताकतें उनने मजबूर किया, दिक्कत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।